नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, लेक्चर नंबर 3 में देखने वाले हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय ग्रेटर नंबर्स ऑफ 9। ग्रेटर नंबर्स ऑफ 9 मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि प्रीवियस में देखा था इक्वल नंबर ऑफ 9, तो इस बार ग्रेटर नंबर ऑफ 9 मतलब यहाँ पे कम डिजिट होंगे और यहाँ पे ज़्यादा डिजिट होंगे। ठीक है, इसका भी आंसर देना है तो हम सीधा दे सकते हैं, कोई भी झिझक वाली बात नहीं है। जैसे कि इसका आंसर क्या आएगा, 3 4 5 3 4 5 9 6 5 4, तो ये आपका आएगा आंसर और सीधा आपने आंसर लिख दिया। तो चलिए कैसे करते हैं वो आपको बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 4 6, यहाँ पे एक डिजिट कम है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हम इसको 0 मान लेंगे कि ये 0 3 4 6 है, और 0 3 4 6 में से -1 करेंगे तो 0 3 4 6 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा अपना 3 4 5। ठीक है, और ये 0 3 4 6 में से ही हम मतलब 6 को 10 में से निकालेंगे और बाकी सारों को 9 में से 3, 9 में से 4 और 9 में से 0। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 9 में से 0 जाएगा तो 9। तो हमारा आंसर बन जाएगा 3 4 5 9 6 5 4। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो और हमने आंसर दे दिया है सिर्फ 3 से 4 सेकंड्स में। तो बड़ा ही आसान तरीका है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, मान लेंगे कि आगे 0 है। ठीक है, अब 0 7 5 6 में से -1 करेंगे तो 0 7 5 6 में से -1 करेंगे तो 7 5 5। ठीक है, अब मैंने 0 को नहीं लिखा क्योंकि वो लिखने का कोई मतलब नहीं है, पीछे लिखना है वो हम कर लेंगे। ठीक है, 6 को 10 में से निकालेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ये चीज़ करना है, अगर आप ये 0 वाला नहीं निकालोगे ना तो आंसर गलत बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आंसर। चलिए एक और करते हैं, 3519 × 99999। ठीक है, इसके आगे क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो 3 0 3 5 1 9 में से -1 करेंगे तो 3 5 1 8 हो जाएगा। ठीक है, और 9 को 10 में से निकालेंगे और बाकी सारों को 9 में से निकालेंगे। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 खुद। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर पर वेरीफाई कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, तो आप यहाँ पे सपोज करो कि 2 0 है। ठीक है, 1 और 2, ऐसे 2 0 है। ठीक है, तो 0036 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 3 5। 0 को निगलेक्ट कर देंगे और अब सब्ट्रैक्शन करना है तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 0 जाएगा तो अगेन 9। ठीक है, तो आपको इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स बना लेना है बिफोर 0 रख के। ठीक है, अब पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो आगे 0 है ऐसा कंसिडर कर लेंगे। तो 1.57 में से जाएगा, मतलब 157 में से -1 करेंगे तो 156 हो जाएगा। और इनको यूनिट डिजिट को 10 में से निकालेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 9 में से 0 जाएगा तो 9। और अब काउंट कर लेंगे, ये 2 के बाद पॉइंट था और ये भी 2 के बाद पॉइंट था, तो टोटल 4 के बाद पॉइंट रखना है। तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट रख देंगे तो 156.9843 हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसी प्रकार आप कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से फॉर्मेशन में हो, तो आप बड़े ही आसान तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर सीधा आता है। वो ट्रेडिशनल मेथड लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिलेटेड भी मैंने एक्सरसाइज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक पर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वो एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। याद रखना, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप शॉर्ट ट्रिक्स को एग्ज़ाम में अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो याद ही नहीं आएगी।
ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज हमारा है वो, उसको लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। और ऐसे ही ट्रिक्स बहुत सारी आने वाली है, तो वो सारी ट्रिक्स देखने के लिए ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।